बड़ी खबर आई राजौरी में हुए आतंकी हमले से जुड़ी। राजौरी में सेना के काफिले पर हमला करने वाले आतंकियों की तलाश में बहुत बड़ा सर्च ऑपरेशन जारी है। सुरक्षा बल ने राजौरी और पुंछ जिलों के कई इलाकों की घेरेबंदी कर दी। इस बीच आर्मी चीफ मनोज पांडे ने उन इलाकों का दौरा किया जहां ये सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। उन्होंने सेना के बड़े अधिकारियों के साथ अहम बैठक भी की और इस आतंकी घटना के बाद हालात का जायजा लेने के लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी बुधवार को राजौरी के दौरे पर जाएंगे। सूत्रों के हवाले से खबर है कि 21 दिसंबर को हमला करने वाले सभी आतंकी पाकिस्तान की सेना के संपर्क में थे और उनकी तलाश में जारी अभियान को और तेज कर दिया गया। 21 दिसंबर को सेना की गाड़ियों पर हमला करने के बाद भागे आतंकियों को पकड़ने के लिए लगातार सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। न सिर्फ जमीन पर चप्पे चप्पे की तलाशी ली जा रही है बल्कि सेना के हेलीकॉप्टरों के जरिए आसमान से भी उन्हें पकड़ने की मुहिम जारी है। राजौरी और पुंछ के कई इलाकों की घेरेबंदी कर दी गई है। इस अभियान में स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप, स्पेशल फोर्स और CRPF के जवानों को भी लगाया गया है। जम्मू कश्मीर पुलिस भी इन जिलों में बसे घने जंगलों को घेर कर आतंकियों की तलाश में जुटी है और इस बीच सेना प्रमुख मनोज पांडे हालात का जायजा लेने के लिए राजौरी के डेरा की गली इलाके में पहुंच गए। खबर है कि इस दौरान आर्मी चीफ को सेना के ऑपरेशन से जुड़ी तमाम जानकारियां दी गईं। इसी जगह पर 21 दिसंबर को आतंकियों ने सेना की दो गाड़ियों पर हमला कर दिया था। उस हमले में 4 जवान शहीद हो गए थे जबकि 3 घायल हुए थे और आतंकियों ने 21 दिसंबर को यह हमला उस वक्त किया था जब सेना के जवान पुंछ में सर्च ऑपरेशन के लिए जा रहे थे। राजौरी के डेरा की गली इलाके में इस हमले को अंजाम देने के बाद सभी आतंकी भाग गए थे और उन आतंकियों की तलाश में पिछले 5 दिन से ऑपरेशन जारी है। 4 जवानों की शहादत का बदला लेने के लिए सुरक्षा बल के जवान राजौरी और पुंछ में दिन रात जुटे हैं। इससे पहले 21 दिसंबर को राजौरी में घात लगाकर बैठे आतंकियों ने सेना के काफिले पर हमला कर दिया था। उस दिन आतंकियों ने सेना की दो गाड़ियों पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई थी जिससे सेना के जवान जवाबी कार्रवाई भी नहीं कर पाए थे। आतंकियों का ये हमला राजौरी के थाना मंडी के डेरा की गली इलाके में हुआ था। खबर है कि जिन दो गाड़ियों पर हमला किया गया था उनके जरिए जवानों को सुरनकोट से बफलियास ले जाया जा रहा था क्योंकि वहां सेना पहले से ही आतंकियों को पकड़ने के लिए छापेमारी कर रही थी और उसी मुहिम में शामिल होने के लिए सेना की दूसरी टीम को ले जाया जा रहा था। बीच रास्ते में ही आतंकियों ने जवानों पर हमला कर दिया था और उस हमले में शहीद हुए जवानों का पूरे सम्मान के साथ अंतिम संस्कार कर दिया गया। राजौरी की घटना में यूपी के कानपुर के रहने वाले जवान करण यादव भी शहीद हो गए थे और उनका पार्थिव शरीर जैसे ही कानपुर लाया गया वहां मातम पसर गया। शहीद करण यादव के छोटे भाई तो सेना की गाड़ी के आगे ही रो रो कर जमीन पर गिर गए। तुरंत ही पुलिस और सेना के दूसरे जवानों ने उन्हें ढांढस बंधाया। इसके बाद शहीद करण यादव को सेना ने गार्ड ऑफ ऑनर दिया और फिर हजारों लोगों की मौजूदगी में उनका अंतिम संस्कार हुआ। इसी तरह उत्तराखंड के शहीद जवान गौतम सिंह का भी पार्थिव शरीर जब उत्तराखंड के कोट द्वार लाया गया तो वहां का माहौल गमगीन हो गया। सैकड़ों लोग उनकी अंतिम यात्रा में शामिल हुए। इस दौरान लोगों ने लगातार नारे भी लगाए। राजौरी में हुए आतंकी हमले में देश के लिए सबसे बड़ा बलिदान देने वाले बिहार के गया के रहने वाले शहीद चंदन कुमार को भी श्रद्धांजलि दी गई। उनका पार्थिव शरीर विमान से गया लाया गया। इसके बाद गया एयरपोर्ट पर ही उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी गई। और इस बीच जम्मू कश्मीर के बारामूला में एक दिन पहले रिटायर्ड SSP की हत्या पर जम्मू समेत कई जिलों में पाकिस्तान पर लोगों का गुस्सा भड़क गया। आतंकियों ने पूर्व SSP मोहम्मद शफी की हत्या उस वक्त कर दी थी जब वो मस्जिद में नमाज पढ़ रहे थे और इस हत्या को लेकर जम्मू कश्मीर में लोगों का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया। इसकी एक तस्वीर
जम्मू से भी सामने आई। वहां शिवसेना के कई कार्यकर्ताओं ने पाकिस्तान का विरोध करते हुए जोरदार प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने अपना गुस्सा जाहिर करने के लिए पाकिस्तान के झंडे में आग लगा दी। पाकिस्तान हाय हाय, पाकिस्तान हाय हाय। इसके साथ ही प्रदर्शनकारियों ने आतंकियों की मदद करने वालों पर भी अपनी भड़ास निकाली। बारामूला के रहने वाले रिटायर्ड एसएसपी मोहम्मद शफी एक दिन पहले मस्जिद में नमाज पढ़ रहे थे, तभी आतंकियों ने उन पर गोलियां चला दी जिससे उनकी मौत हो गई। इस हत्याकांड को अंजाम देने वाले आतंकियों की तलाश में सेना पूरे बारामूला में सर्च ऑपरेशन चला रही है।